एक देश एक कानून। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही इस तरीके के कानून लाने जा रही है। हालांकि इसका विरोध भी देश में हो रहा है, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया है, तमाम लोग इसके सपोर्ट में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र हैं और छात्राएं, वो क्या कहती हैं इस कानून को लेकर, ये बताइए कि एक देश एक कानून मोदी सरकार जल्द ही लाने जा रही है, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा ये मानना है कि अब इट्स हाई टाइम टू हैव यूसीसी नाउ, बिकॉज आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी इटसेल्फ क्लियरली मेंशंस दैट स्टेट शुड एम्पावर टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। सो आई फील इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्या नाम आपका? तनुष्का। क्या मानती हैं? बहुत सारे लोग विरोध में भी है, पर सर मैं इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अलग होके भी हम सब एक हैं। और जब हम एक हैं ही, तो क्या नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही कानून हम सब पर लागू हो? तो ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है, जहाँ हम यूनिटी को लेके आएंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द लॉ। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून है वो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद, उनके सपोर्ट करने वाला कानून। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए अभी जो देश में कानून आ रही है, जिससे हमें महिलाओं के लिए काफी अच्छा हो रहा है और उन्हें डेवलपमेंट के लिए तरफ बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा महिलाओं के तरफ डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं उन क्या मानती है? जो विरोध, जी मैं ये मानती हूँ कि कोई भी अच्छा, हमेशा सोना जो है वो तब के ही बाहर निकलता है, तो अगर कोई भी अच्छा कानून, अच्छा कार्य देश में होने वाला है तो उसका विरोध होगा ही। और मुझे लगता है कि इस विरोध को हमें एज पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी हमारी आबादी है, इसमें अगर हमें कुछ भी लागू करना है तो उसको चप्पे चप्पे पे, स्टेज स्टेज पे उसका प्रोविजन देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो ये विरोध क्या अच्छा विरोध है या बुरा विरोध है, इसकी जाँच करके हमें और बेहतर कानून निकालना। क्या नाम आपका? इशिका। क्या मानती हैं ये जो सरकार कानून लाने जा रही है, सही कदम मानती हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कोई भी लॉ आता है तो वो एक समान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक रिलीजन को फायदा कर रहा है और दूसरे रिलीजन को नहीं कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा लॉ आ रहा है जो सबके लिए बराबर है तो वो बिल्कुल आना चाहिए। आप बताएं। मेरा मानना है कि जिस टाइम पे हमारा कानून बना था, भीमराव जी ने बनाया था, वो उस समय को देख के बनाया गया था, बट अब हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश में नई चीज है, तरक्की हो रही है, लोगों की सोच बदल रही है, तो उस हिसाब से हमारे कानून में भी बदलाव आना चाहिए। सर, मेरा मानना है कि इंडिया एक चूंकि वेरी डाइवर्स कंट्री, तो हम एक ही लॉ सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसके हिसाब से मतलब जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उनका खुद का अलग अलग सबका कल्चर है, तो एक लॉ सबके ऊपर ये कुछ ज्यादा हमारे जो हमारी सोच है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उस पर शायद प्रश्न चिन्ह उठाता है। सर, आपका नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, बताएं कि जी क्या मानते हैं जो सरकार कानून लाने जा रही है? यूसीसी एक बहुत सही विचार है सरकार का, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज भी पर्सनल लॉस सारे धर्मों के ऐसे अलग अलग हैं, और कई धर्मों के तो बहुत ज्यादा हैं जो कि वुमेन के एकदम अपोज करते हैं, उनको एकदम दबा के रखने चाहते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको बराबर से अधिकार मिलना चाहिए, मेन और वुमेन ने इक्वालिटी होनी चाहिए, तो जब तक पर्सनल लॉज सबके एक नहीं होंगे तब तक सभी को बराबर से अधिकार नहीं मिल पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है पर्सनल लॉज का यूसीसी लागू होना। तभी मानते हैं कि अभी बराबरी का दर्जा सबको नहीं मिला है? जी जरूर, अभी तो नहीं मिला है, पर हम यूसीसी का बात करते हैं, उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुस्लिम लॉज को कोडिफाइड करना ज्यादा जरूरत है। हम लास्ट स्टेज का बात करते हैं, बट उसके प्रोसेस में जो चीज है वो चीज हम नहीं बात करते। समान हम कानून का बात कर रहे हैं, पर सबसे पहले अगर कोडिफाइड नहीं होगा, हम उसके चीजों को नहीं समझेंगे, हम उसके चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे, जैसे 2017 में किया गया ट्रिपल तलाक को, तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, हम एकदम से वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इसके प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ध्यान देने की जरूरत है ना। सरकार की स्टेप कैसा मानते हैं? सर, ये सरकार का स्टेप काफी अच्छा है, जैसे कि इस टाइम पे अगर हम देखें, यूसीसी ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्मिटी लाता है। अभी देखे तो हिंदू मरीज एक्ट 1955, मुस्लिम मरीज अलग अलग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट को भी कंट्रोल करता है। अगर यूसीसी आ जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। क्या मानते हैं?
मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की इकॉनमीज, देखिए पॉलिसी सारी सरकार की डिफरेंट होती हैं और डेफिनेटली सरकार में लूपहोल्स ढूंढना काफ़ी आसान है, बट इतनी बड़े इकॉनमी को चलाना और फिफ्थ नंबर पे लेके जाना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमीज में, बहुत बड़ी बात है। और जैसा हमने देखा US कैबिनेट में कैसे उन लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन इतनी टाइम्स दिया गया था, शायद 70+ टाइम्स दिया गया था, तो बहुत बड़ी बात है। एज अ इंडियन प्राउड फील होता है काफ़ी ज़्यादा अगर अमेरिकन ऐसा फील कराते हैं तो।